Hello everyone, as you know that we are doing unit 11 marketing management of class 12th, and from there we have done some topics also, but today we will start a new topic, that is advertising. But before starting this, I want to discuss something with you. Have you ever noticed that suppose a new product is coming to the market and there will be no advertising of that, then what will happen? एक सपोज करते हैं मार्केट में आपका बाइक का या आपके फ़ोन का, जो भी फ़ोन आप यूज़ करते हैं, सपोज़ उस फ़ोन का एक नया मॉडल मार्केट में आ जाता है, लेकिन उस मॉडल के बारे में आपको एडवर्टीजमेंट नहीं की जाती, मतलब ना तो न्यूज़पेपर के थ्रू, ना ही टेलीविज़न के थ्रू, और ना ही इंटरनेट या किसी और सोर्स के थ्रू आपको ये बताया ही नहीं जाता कि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया है, तो क्या होगा? सोचिए, बहुत ही मुश्किल है। अगर मार्केट में कोई नई चीज़ आती है बट उसकी एडवर्टीजमेंट ना की जाए तो कस्टमर तक उसके बारे में जानकारी ही नहीं होगी, कस्टमर को पता ही नहीं लगेगा कि मार्केट में कोई नई चीज़ भी आई है। जैसे कि नाउ अडेज मूवीज़ के टाइम पर भी प्रमोशंस किए जाते हैं, हीरो हीरोइन जो हैं वो सीरियल्स में या फिर कहीं पर भी ऐसे रियलिटी शोज़ में आते हैं और अपने मूवी की ऐड करते हैं, आप लोगों को इंड्यूस करते हैं कि आइए हमारी मूवी देखिए। क्यों करते हैं वो ऐसा? वाई दे आर प्रमोटिंग देयर मूवीज? सो दैट द कस्टमर कैन कम टू नो दैट अ न्यू मूवी इज कम इन द मार्केट और आप फिर उस मूवी को देखने जाएं। ठीक है, अगर ऐसी कोई ऐड ही ना हो, सपोज कहीं पे भी कोई बैनर नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कोई रियलिटी शो में आके आपको बताते नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा मार्केट में कोई मूवी आई है। ऐसी कितनी मूवीज़ हैं जिनकी प्रमोशन नहीं की जाती और प्रमोशन ना होने की वजह से जो कस्टमर्स हैं वो देखने ही नहीं जाते, ऑडियंस पहुंचती ही नहीं है थिएटर्स में, क्योंकि दे डोंट नो अबाउट द मूवी, दैट न्यू मूवी इज कमिंग। सो व्हाट इज दिस? दिस इज ऐड। ऐड की जाती है मार्केटिंग में। मार्केटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज ऐड ऑफ द प्रोडक्ट। तो ऐड हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, बट व्हाट इज दिस ऐड? सो लेट्स डू दिस टॉपिक। इन अभी जो हमने बात की, दैट वॉज ओनली जर्नल टॉपिक, बट नाउ वी विल डू इट एज अ प्रोफेशनल, कि मार्केटिंग जो है या एडवर्टाइजिंग जो है वो बिजनेस के टर्म्स में क्या होता है। सो लेट अस स्टार्ट। एडवर्टाइजिंग इज एनी फॉर्म ऑफ पेड। पेड क्यों बोला गया है? बिकॉज एडवर्टीजमेंट के लिए आपको पैसा यानी कि मनी देना पड़ता है। सपोज करते हैं आपका प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है और आप उसके बारे में कस्टमर को जानकारी देना चाहते हो, तो कोई भी पर्सन जो आपकी तरफ से ऐड कर रहा है वो फ्री में ऐड नहीं करेगा, उसे आपसे पैसे की डिमांड होगी, और जो पैसा आप ऐड के लिए दे रहे हो, दैट इज़ योर पेड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज़ फॉर्म ऑफ पेड नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। ये क्या है? नॉन पर्सनल होती है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है। अब व्हाट इज़ नॉन पर्सनल? नॉन पर्सनल मीन्स व्हेन यू आर डूइंग समथिंग बट इट्स नॉट फेस टू फेस। ठीक है, आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो या आप किसी के साथ व्यू शेयर कर रहे हो, लेकिन वो टू वे नहीं होगा। टू वे नहीं होगा मतलब, अगर मैं जैसे अभी आपको अपना टॉपिक समझा रही हूँ, तो मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़, अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन आप लोग मुझसे बात नहीं कर सकते इस टाइम पर। ठीक है ना, तो इट मीन्स ये क्या है कि वन वे कम्युनिकेशन है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपने बारे में बता रही है, टॉपिक के बारे में बता रही है, और दूसरी पार्टी क्या कर रही है? ओनली लिसनिंग। ठीक है, आप मुझसे ना तो कोई क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हो और ना ही अपने कोई डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो इसीलिए एडवर्टीजमेंट जो होती है वो हमेशा नॉन पर्सनल होती है। लाइक अमिताभ बच्चन जी ऐड कर रहे हैं किसी मैगी के प्रोडक्ट की, या फिर आपके बिकाजी नमकीन की ऐड कर रहे हैं, तो क्या आप अमिताभ जी से बात कर सकते हो टीवी की स्क्रीन के अंदर हाथ डाल के या किसी भी तरीके से? नेवर, इट्स इम्पॉसिबल। लाइक इसी तरह महेंद्र सिंह धोनी है या विराट कोहली है, वो किसी प्रोडक्ट की ऐड कर रहे हैं, तो आप सिर्फ उस ऐड को देख सकते हो। ठीक है, उस ऐड से अट्रैक्ट हो सकते हो, बट यू कांट टॉक टू हिम लाइक दैट, आप उनके साथ बात नहीं कर सकते। तो ये क्या है? इम्पर्सनल या नॉन पर्सनल। अब एडवर्टीजमेंट जो होती है वो क्या होती है? प्रेजेंटेशन। किसकी? प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ज़रूरी नहीं है कि जो ऐड होती है वो सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए की जाए, जो ऐड होती है वो सर्विसेज के लिए भी की जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा हेल्थ इंश्योरेंस की एड्स आती हैं, या फिर बैंकिंग की एड्स आती हैं, या आपके
जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, एयरप्लेन्स हैं, या नेवी है, एयरफोर्स है, या हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो किसी प्रोडक्ट सॉरी किसी भी नए प्लान के बारे में आपको जानकारी देते हैं, लाइक जनधन योजना या किसी भी तरह के बारे में. तो ये सारी सर्विसेज के बारे में जब आपको ऐड से बताया जाता है तो वो एड्स हो जाती हैं फॉर सर्विसेज. एड्स कभी भी सिर्फ गुड्स की नहीं होती, एड्स सर्विसेज की भी होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है इनका पर्पस क्या है, ये क्यों की जाती हैं. तो पर्पस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट, इंड्यूसिंग. इंड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, इंड्यूसिंग पीपल टू बाय. इंड्यूसिंग मीन्स परसुएड समवन टू डू समथिंग. जब आप किसी इंसान को मजबूर कर देते हो या मना लेते हो किसी काम को करने के लिए, उसे हम परसुएड कहते हैं. ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग का मेन मोटिव क्या होता है कि अपने कस्टमर्स को, यानी जो लोग उस एड को देख रहे हैं, उन्हें परसुएड करना, उन्हें मनाना कि आप हमारा प्रोडक्ट बाय कीजिए, आप हमारा प्रोडक्ट खरीद लीजिए. तो एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एडवर्टाइजिंग क्या होती है. नॉन, सबसे पहली बात ये पेड फॉर्म होती है, दूसरी ये नॉन पर्सनल है क्योंकि आप फेस टू फेस कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकते, थर्ड थिंग ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में डील करता है, एंड नेक्स्ट इसका जो मेन पर्पज़ है वो क्या है, लोगों को इंड्यूस करना, यानी कि उनको मनाना कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीद लीजिए. ठीक है, अब नेक्स्ट मूव ऑन टूवर्ड द फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, कि एडवर्टीजमेंट में खासियत क्या होती है. ठीक है, तो टॉपिक इज फीचर्स. जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है वहीं से आपके फीचर्स भी निकलेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज पेड फॉर्म, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस पॉइंट. पेड फॉर्म मीन्स द सेलर और द मैन्युफैक्चरर, चाहे सेलर है चाहे मैन्युफैक्चरर है, हैज़ टू पे मनी. ठीक है, उसे मनी पे करनी पड़ती है, बिना मनी के आप ऐड नहीं करोगे. अगर कोई आपकी ऐड विदाउट मनी कर रहा है तो वो पब्लिसिटी होगी. ठीक है, एड्स के लिए हमेशा आपको पैसा देना पड़ता है. सेकंड पॉइंट है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, नॉन पर्सनल और यू कैन से दैट इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट पॉइंट ऑल्सो, राइट. सो कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. थर्ड इज मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन. सो बिफोर दैट वी हैव टू नो व्हाट इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन्स व्हेन यू एक्सचेंज योर आइडियाज, फैक्ट्स, फिगर्स, इमोशंस एटसेट्रा विद द अनदर पर्सन. ठीक है, जैसे अभी मैं आपके साथ अपनी नॉलेज, अपने आइडियाज को शेयर कर रही हूँ, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन है. ठीक है, और कम्युनिकेशन जो होता है वो बेसिकली टू वे माना जाता है, तभी कम्युनिकेशन को प्रॉपर माना जाता है. ठीक है, अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कहता है, मास कम्युनिकेशन. जो एड होती है वो मास कम्युनिकेशन होती है. मास मीन्स बहुत सारे लोग इसमें आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों को इसमें इंक्लूड किया जाता है. लाइक अगर कैटरीना कैफ ऐड कर रही हैं माजा की, तो क्या सिर्फ एक इंसान उस ऐड को देख रहा है? नो, ऑल ओवर इंडिया, इवन अगर इंडिया के बाहर भी किसी कंट्री में वो चैनल उस टाइम चल रहा है जिस चैनल पे कैटरीना ऐड कर रही हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उस एक टाइम पर वो जो 20 से 30 सेकंड्स की ऐड है ना, उतने से टाइम पर ही वो करोड़ों लोगों को अपने बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रही हैं. तो ये क्या है, मास कम्युनिकेशन है ना. आप एक ही वक्त पर बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हो. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का मतलब जब प्रोडक्ट आप बनाते हैं और आप उसकी एडवर्टीजमेंट करने जाते हैं, यानी किसी पर्सन को पेमेंट करके आप अपने प्रोडक्ट की ऐड करवाते हो, तो जो पर्सन वो ऐड करवा रहा है वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से या इंस्टीट्यूट से जुड़ा होता है. एक फर्म होती है या एक कंपनी होती है जो प्रोडक्ट की ऐड करवाती है. अगर कोई प्रोडक्ट ऐड करवा रहा है लेकिन उसके स्पॉन्सर का नेम उसमें मेंशन नहीं है, तो वो ऐड नहीं होती. ठीक है, अब आप कहेंगे ये स्पॉन्सर है क्या. स्पॉन्सर वो पर्सन होता है जो ऐड के लिए मनी स्पेंड करता है.
ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जब क्रिकेट मैच होता है तो फील्ड के बाहर जो बाउंड्रीज होती है उन बाउंड्रीज पर आपने देखा होगा पोस्टर्स लगे होते हैं, बैनर्स लगे होते हैं, लाइक वीवो, सहारा, ओप्पो, देखा है सभी ने। तो वो सब क्यों लगा होता है? क्योंकि वो लोग, वो कंपनीज़ जो हैं, उन कंपनीज़ ने उस क्रिकेट को स्पॉन्सर किया है, मतलब कि उस क्रिकेट में होने वाला सारा खर्चा वो कंपनीज़ उठा रही हैं। ठीक है, अब जब लोग वहाँ आते हैं, मैच देखते हैं, वहाँ पर उन कंपनीज़ के बैनर देखते हैं, तो उनके माइंड में वो प्रोडक्ट छप जाता है ऑटोमेटिकली। वो साइलेंट एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की। ठीक है, इसी तरह देख सकते हैं आप मैरीगोल्ड बिस्किट पर ब्रिटानिया लिखा है, ब्रिटानिया कौन है? उसका स्पॉन्सर है। ठीक है, कई रियलिटी शोज़ में भी आपने देखा होगा जब रियलिटी शो स्टार्ट होता है तो वो बताते हैं कि वेलकम टू DID शो और वट एवर द नेम ऑफ द शो एंड को पावर्ड बाय, फिर वो प्रोडक्ट का नेम बोलते हैं। तो वो जो को पावर्ड है दैट इज़ अ स्पॉन्सर, मतलब वो लोग जो उस प्रोडक्ट के लिए खर्चा कर रहे हैं या उस सीरियल के लिए खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो तो उसमें ये चार चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, इनमें से कुछ भी मिस नहीं करना है। ठीक है, ये सारे फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर योर CBSE एग्जाम्स। सो आई होप आई हैव क्लैरिफाइड यू ऑल द टॉपिक्स, ऑल द पॉइंट्स। सो थैंक यू।